प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको यीशु के मेरे भाई और बहनों आए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसकी वर्शिप करें। प्रभु यीशु ने एक और नया दिन आज हमारे जिंदगी में दिया है, आए उसके दिए हुए वरदानों के लिए उसकी आराधना करें। जैसे एक हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरे भाई और बहनों, उसी तरह हमारी रूह हमारी आत्मा प्रभु यीशु के लिए हर समय तरसनी चाहिए। प्रभु यीशु के साथ बातें करने के लिए हमारी आत्मा उसी तरह तरसनी चाहिए मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु हमसे अद्भुत प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना कीमती लहू अपनी जान हमारे लिए कलवरी क्रूस पर दे दी। सो आए प्रभु यीशु के दिए हुए वरदानों के लिए उसके उससे धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसकी वर्शिप करें। थैंक यू जीसस, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आप हमारे जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं आज की इस वर्शिप में, प्रभु जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु यीशु, उन सबको मैं आपकी पवित्र हजूरी में लेके आता हूँ यीशु राजा, उन सबको यीशु और स्पर्श कर प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह मेरी रूह मेरी रूह मेरी रूह की प्यास
मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह यस हिरनी पानी के नलों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी 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 है, रात और दिन आंसू बहते, दुनिया वाले सब कहते हैं कौन कहाँ है तेरा खुदा, क्यों है इतना चैन ये दिल, क्यों जान जे गिरती जाती है, होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नलों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी 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 है, मेरी रूह मेरे भाई और बहनों,
आइए सब मिलकर प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना करें। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, आज प्रभु यीशु को बोले, हे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा वरदान दो, मुझे ऐसी सामर्थ्य दो प्रभु यीशु, मेरी आत्मा आपके वचनों के लिए तरसती रहे। प्रभु यीशु, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी वर्शिप करने के लिए प्रभु, आपकी बातें सुनने के लिए प्रभु यीशु, आपके वचनों को सुनने के लिए मेरी आत्मा हर समय प्रभु आपके लिए तड़पती रहे। प्रभु यीशु, आज मुझे ऐसी सामर्थ्य दो प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह, मेरी मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु के चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु के दास दासियां हैं, जो प्रभु यीशु के बच्चे हैं, और जो प्रभु यीशु की हजूरी में बने रहते हैं, उनकी आत्मा हमेशा प्रभु यीशु के वचनों के लिए तरसती रहती है। जैसे एक हिरनी पानी के नालों को तरसती है, उसी तरह उनका जीवन, उनकी आत्मा प्रभु यीशु के वचनों के लिए, प्रभु यीशु की वाणी के लिए, प्रभु यीशु की आवाज़ के लिए हमेशा उनकी आत्मा तरसती रहती है। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु के सामने प्रार्थनाएं करें। हे पिता, मेरी आत्मा को ऐसा बनाओ जैसे एक हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है प्रभु, उसी तरह मेरी आत्मा आपके लिए हमेशा तरसती रहे। प्रभु यीशु, आपके वचनों को सुनने के लिए हमेशा मेरी आत्मा तरसती रहे। प्रभु यीशु, मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना करें। अपने होठों को खोलें, घुटनों के बल होकर प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना करें। जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं, वो सब पूरे परिवार के साथ इस समय घुटनों के बल होकर प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ऐसा बना दो प्रभु यीशु, जैसे एक हिरनी पानी के नालों को तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा आपके लिए तरसती रहे। प्रभु यीशु, आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी आत्मा पैसों के लिए तरसती है, जिनकी आत्मा बहुत बड़े कामों के लिए, नौकरियों के लिए तरसती है, जिनकी आत्मा लोगों की बुराई करने के लिए तरसती है, जिनकी आत्मा लड़ाई झगड़ों के लिए तरसती है, जिनकी आत्मा नशे के लिए तरसती है। प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरी आत्मा आपके वचनों के लिए तरसे, ना कि इस दुनिया की चीजों के लिए। प्रभु यीशु, दुनिया के लालच, मोह माया विलास के लिए ना ही प्रभु, सिर्फ आपके लिए। प्रभु यीशु, मेरी आत्मा सिर्फ आपके लिए तरसे। प्रभु यीशु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में जाएं और प्रार्थनाएं करें। जरूर प्रभु यीशु आपकी आवाज को सुनेंगे, जरूर प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि ये प्रभु का वादा है हमारे साथ, यहां दो या तीन प्रभु यीशु को पुकारते हैं और प्रभु यीशु जरूर उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु, जो भाई बहन इस समय
अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रभु आपके पवित्र चरणों में आए हैं प्रभु, मैं उन सबको आपकी पवित्र हजूरी में समर्पित करता हूँ प्रभु यीशु। आज प्रभु उनके जीवन को, उनकी आत्मा को बदल दे प्रभु यीशु। जैसे एक हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है प्रभु, वैसे ही प्रभु इन सब भाई बहनों की आत्मा आपके पवित्र वचनों के लिए तरसे, आपकी आराधना करने के लिए तरसे प्रभु यीशु, आपके गीतों भजनों के लिए तरसे प्रभु, आपकी वर्शिप करने के लिए तरसे प्रभु यीशु। आज प्रभु उन सब के दिलों को आप छू जाओ प्रभु यीशु, उन सब भाई बहनों के जिंदगियों को प्रभु, उनके जीवनों को प्रभु आप छू जाओ प्रभु यीशु। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आप समय आपकी आवाज को सुनने का, आपकी पवित्र वाणी को सुनने का प्रभु यीशु। आज का पवित्र वचन हमारी जिंदगियों में बहुत सारा फल लेके आई यीशु। आज के पवित्र वचन के द्वारा प्रभु बहुत सारे भाई बहन फल प्राप्त करें प्रभु यीशु, और अपनी जिंदगी एक अच्छे मार्ग में चलने के लिए व्यतीत कर सके प्रभु। आज के वचन के द्वारा बहुत सारे भाई बहन अपने जीवनों में, अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सके प्रभु यीशु। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे संत लुकस उसका 16 अध्याय उसकी 19 आयत। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम मुझ पर दया कर और लाजरुस को भेजिए जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके प्रतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक बारी अवस्थर है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई है। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वह भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वह उसकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम वह कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वह पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वह मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से भी कोई उठे तो वह उसकी बात नहीं सुनेंगे। मेरे भाई और बहनों, आज का पवित्र वचन में से हमने क्या सुना है? एक अमीर आदमी था, वह पूरा दिन बैंगनी कलर के वस्त्र पहनता था और बहुत ही ऐश और आराम का जीवन व्यतीत करता था। और उसी जगह पे एक गरीब व्यक्ति था जिसका नाम लाजरुस था, और उसका जो बदन था पूरा फोड़ों के साथ भरा हुआ था, और वह उस अमीर व्यक्ति के टेबल पर जो खाना था खाने के लिए तरसता था, और कुत्ते आकर उसके फोड़ों को चाटते थे। और एक दिन वो व्यक्ति मर गया और पिता इब्राहिम के गोद में गया, और अमीर आदमी भी मर गया और वो नरक में गया। मेरे भाई और बहनों, अमीर व्यक्ति क्यों नरक में गया? जब वह इस संसार पर था, ऐश प्रस्ती करता था,
तो उसने गरीबों पर ध्यान नहीं दिया, जिन्हें भूख थी उन्हें खाना नहीं दिया उसने। उसका सबसे बड़ा यही पाप था। ऐश और आराम की जिंदगी जीना पाप नहीं है मेरे भाई और बहनों, लेकिन ये पाप है जब हम ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं। हमें दूसरों पर ध्यान देना चाहिए, जो गरीब है हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, जो बेसहारा है उन्हें सहारा देना चाहिए, जिनके पास खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, उन्हें भोजन और कपड़ा देना चाहिए मेरे भाई और बहनों। और जब हम ये सब करते हैं तो हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा होता है स्वर्ग राज्य में मेरे भाई और बहनों। उसके बाद जब अमीर आदमी मर गया, उसने पिता इब्राहिम को कहा, लाजरुस को मेरे पास भेजो, क्योंकि इस जगह मैं बहुत तड़फ रहा हूँ, मैं नरक में इस जगह में आग के बीच में बहुत तड़फ रहा हूँ, जी अपनी उंगली का पोटा भिगोकर मेरी जीव को ठंडा करे। पिता इब्राहिम ने कहा है, आपका और हमारा जो बीच का रास्ता है, हम ना तो इधर से आपके पास जा सकते हैं और ना ही आप हमारे पास आ सकते हैं। उसके बाद उस अमीर व्यक्ति ने कहा, लाजरुस को मेरे घर भेजें, मेरे और 5 भाई हैं जो ऐसे ही काम करते हैं, जो दूसरों पर ध्यान नहीं देते, जो अपनी ऐश और आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। लाजरुस उनके पास जाए और उन्हें कहे, पश्चाताप करो, जैसे कि तुम्हारा एक भाई नरक में है, आप पश्चाताप करो ताकि तुम लोग नरक में प्रवेश ना कर सको, अपने पापों से पश्चाताप करो। तो पिता इब्राहिम ने उसे उत्तर दिया, उनके पास नबियों की पुस्तकें, उनके पास बाइबलें, वचन, सब कुछ उनके पास है, उनके पास प्रभु के सेवक हैं जो वचन सुनाते हैं, अगर वो उनकी नहीं सुनते तो वो लाजरुस की नहीं सुनेंगे। प्रभु यीशु का आज का वचन ये है मेरे भाई और बहनों कि प्रभु यीशु कहते हैं, हमें प्रभु के वचनों को सुनना चाहिए, जो हमें प्रभु के दास वचन सुनाते हैं, जो भी वचन वो हमें सुनाते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का हर एक वचन अटल है। वो धनी व्यक्ति क्यों नरक में गया? क्योंकि उसने प्रभु के वचन को नहीं सुना, इसलिए वो नरक में गया। आज हमें प्रभु का वचन कहता है, जो लोग दुखी है उनकी सहायता करें, जिनके पास भोजन नहीं है उन्हें भोजन दे, जिनके पास खाने को नहीं है उन्हें खाना दे। अगर हम प्रभु के वचन को सुनेंगे तो हम इसकी पालना करेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे मेरे भाई और बहनों। आज का यही हमारे लिए वचन है। हमने धनी मनुष्य की तरह अपना जीवन नहीं व्यतीत करना मेरे भाई और बहनों, लाजर की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है मेरे भाई और बहनों। अमीर होते हुए भी हमें गरीब ही रहना है मेरे भाई और बहनों। ये है परमेश्वर का वचन मेरे भाई और बहनों, इस पर ध्यान देना है मेरे भाई और बहनों। आए प्रार्थना करें प्रभु के सुंदर वचनों के लिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आज आपने प्रभु लाजरुस और धनी व्यक्ति के द्वारा हमारे साथ बातचीत की प्रभु यीशु। प्रभु इस संसार में जो लोग प्रभु धनी हैं प्रभु, जो गरीबों पर ध्यान नहीं देते प्रभु यीशु, आज उनकी बुद्धि को खोल दे प्रभु यीशु। जो प्रभु अपने ही ऐश और आराम की जिंदगी व्यतीत करते प्रभु, आज उनके जीवन को बदल दे प्रभु यीशु, ताकि वो लोग भी प्रभु उस धनी मनुष्य की तरह प्रभु नरक में ना जा सके प्रभु यीशु। क्योंकि प्रभु आपने बहुत सारे दासों को इस संसार में भेजा है प्रभु यीशु, बहुत सारी पुस्तकें जो नबियों के द्वारा प्रभु इस संसार में है प्रभु, और प्रभु जो लोग आपके वचनों को नहीं सुनते प्रभु यीशु, आज आपका आत्मा उन्हें छू जाए प्रभु यीशु, वो सब आज आपके ऊपर विश्वास करे प्रभु यीशु। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप प्रभु इंसान से बहुत प्यार करते प्रभु, आपने हर एक इंसान के लिए प्रभु अपना जीवन दिया है प्रभु यीशु। प्रभु आप नहीं चाहते कि कोई नरक में जाए, और प्रभु एक इंसान है जो आपके वचनों को नहीं सुनता उस पर नहीं चलता प्रभु, जो आपके वचनों को नहीं सुनते प्रभु, जो आपके वचनों की आज्ञा का पालन नहीं करते प्रभु, आज उनके दिल और दिमागों को, उनकी बुद्धि को खोल दो यीशु राजा। अपने पवित्र आत्मा को भेजो प्रभु, उन सबको स्पर्श करो प्रभु, ताकि वो लोग आपके वचनों पर चलें प्रभु यीशु, और गरीबों की सहायता कर सके प्रभु यीशु,
जिनके पास भोजन नहीं है प्रभु उन्हें भोजन दे सके यीशु राजा, जिनके पास कपड़ा नहीं है प्रभु उन्हें कपड़ा दे सके यीशु राजा, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। अपने पवित्र आत्मा को भेजो, दया करो यीशु राजा, कृपा करो प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, अपने स्वर्ग राज्य में कबूल किया प्रभु यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, टेलीफोन के द्वारा बहुत सारे भाई बहन हमसे प्रार्थना की मांग करते हैं, जब हमारी प्रार्थना टीम उनके लिए प्रार्थना करती है तो प्रभु यीशु उनके जीवन में उनकी जिंदगी में बहुत सारे कार्य करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, इस वर्शिप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं, आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थनाएं की जाएगी। और कल हम सब मिलकर इसी समय प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे, हम सब मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे। सबको जय यीशु की।